सो गाइज, ये मेरे हाइलाइट्स हैं जो मैंने घर में करे हैं. कैसे करे हैं, लेट्स सी. हाय स्वीटी, सो कैसे आप सब गाइज? मेरे चैनल में आपको हेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. हेयर केयर से रिलेटेड, हेयर का कैसे अपना रूटीन फॉलो करना है, ये सब कुछ होता है. लेकिन आज का वीडियो ना बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट. यस गाइज, मैं अपने बालों पे आई थिंक आई एम पर्सन जिसने बहुत कम एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ अपने बालों के साथ, बिकॉज लाइक मैं बहुत ज़्यादा पोजेसिव हूँ अपने बालों को लेकर और बहुत पर्टिकुलर हूँ कि ये चीज़ लगनी चाहिए, ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए. सो मैंने कभी भी स्मूदनिंग स्ट्रेटनिंग नहीं कराई है. मेरे मतलब सैलून वाले मुझे बोल बोल के थक जाते हैं कि आप ये करा लो, वो करा लो, वो करा लो, बट आई डोंट डू दिस बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ यार, सैलून वाली चीज़ों में भी केमिकल्स तो होता है. सो मैं अपने बालों में लिमिटेड केमिकल्स लगाती हूँ. वॉट आई डू इज़ मोस्टली होम रेमेडीज़. लेकिन क्या है कि आजकल थोड़ा सा मन करा है कुछ एक्सपेरिमेंट करने का. दीज आर माई नेचुरल कलर बालों का. मैंने एक बार स्ट्रीक्स करा रखा है पहले, मैंने रेड कलर का कराया था मेरी कज़न की मैरिज में. उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब मेरे बाल बहुत ही खूबसूरत लगते थे और बहुत ज़्यादा मतलब सोच समझ कर मैंने वो करवाया था. बट अभी भी मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा अपने बालों में ब्लॉन्ड लुक दूँ, थोड़ा सा स्ट्रीक. मुझे वो मैंने सैलून से कराया था डेफिनेटली, लेकिन मुझे इस बार मन कर रहा है कि मैं कुछ अपने बालों के साथ करूँ, कुछ अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करूँ. सो दैट्स और लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आज हम घर में करेंगे, बिकॉज घर में ही जुगाड़ करना है, क्योंकि जुगाड़ू चैनल है हमारा. सो घर में जुगाड़ करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको मैं करती हूँ, पूरा प्रोसेस करते हैं. एंड आई जस्ट कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि वो सही आए. आई डोंट नो कैसा आएगा, बट लेट्स सी. तो थोड़ा सा बालों में ब्लॉन्ड लुक देने का मन करा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये वाला लुक मैंने कैरी किया है. आई वॉन्ट सम चेंज डेफिनेटली. सो लेट्स ट्राई. काफ़ी एक्चुअली जो प्रोसेस स्ट्रीक्स का होता है वो काफ़ी लंबा होता है. मतलब उसमें 3-4 घंटे लगते हैं. पहले वो ब्लीच लगा के बालों को डी कलर करते हैं, फिर उसमें आपके जो भी आप स्ट्रीक्स या जो भी हाइलाइटर्स आप लेना चाहते हैं वो आपको देते हैं. सो वो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है यार, मैं बोर हो जाती हूँ वहाँ पे. सो लेट्स ट्राई कि घर में क्या छोटे प्रोसेस हो सकता है. तो मैंने ये स्ट्रीक्स का हाइलाइट्स लिया है. मैंने काफ़ी हाइलाइट्स देखे ऑनलाइन. सो उसमें ये वाला मुझे थोड़ा सा दिखा कि कैसे होगा ये, लेट्स सी. सो इसमें ये हाइलाइटिंग किट है और इसका मैंने रिव्यू बहुत अच्छे पढ़े थे अमेज़ॉन पे, दैट्स वाई मैंने इसे ख़रीदा. लोरियल का भी था इसमें, बट मैंने लोरियल का कभी फ्रैंकली स्पीकिंग हेयर कलर नहीं ट्राई किया है. सो मुझे नहीं पता. मैंने स्क्वार्ट्सवर्क का ट्राई किया था, तो इसलिए अभी फ़िलहाल मुझे लोरियल का नहीं लग रहा था. मैं ज़्यादा नहीं करना चाहती थी. स्ट्रीक्स की मैंने रिव्यूज़ अच्छे पढ़े, तो इसको खोलते हैं. इसमें ये सब कुछ मिला है मुझे. सबसे क्यूट तो ये हाईलाइट लगाने के लिए मुझे अच्छा लगा ये ब्रश, बिकॉज मैं सोच रही थी कि ब्रश कैसा होगा हाईलाइट लगाने का, क्योंकि जो हमारे हेयर कलर के ब्रशेज होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं. तो मुझे लगा आई डोंट नो कैसा होगा. ग्लव्स दिए हैं, अच्छी बात है. तो ये पूरा मैनुअल है लगाने का. एंड इसमें दो चीज़ें हैं जैसे नॉर्मली हेयर कलर्स में होती हैं. एक तो ब्लॉन्डर पाउडर, एक्चुअली उसमें हेयर कलर पाउडर होता है, इसमें ब्लॉन्डर पाउडर है जो कि बालों को डी कलर करता है. मेरे बहुत ज़्यादा बिल्कुल ब्लैकिश ब्राउनिश बाल हैं. सो उनमें हाईलाइट लगाने में वैसे भी प्रॉब्लम आती है. ये मुझे मेरे सैलून वाले ने बताया था, ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में ही है, इट्स नॉट ए क्रीम फॉर्म, थोड़ा डिफरेंट है. मैं इसमें 2 पैकेट्स भी ले सकती थी, बट मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझे लगा थोड़े से 1-2 स्ट्रीक्स दे, 2-4 स्ट्रीक्स दे देते हैं, वही काफ़ी है, बाकी बाद में करेंगे. और ये डेवलपर तो बहुत कॉमन है और अच्छा है यार, एक बार में सैशे में यूज़ हो जाएगा, वन टाइम यूज़ है. उसके बाद ये शाइन ऑयल भी है, शाइन ऑयल कंडीशनर. ये डेफिनेटली कलर लगाने के बाद जब बाल धोंगी तो उसके बाद इसको लगाऊंगी. सो लेट्स ट्राई. मैं इसको पहले इसका मिक्सचर बनाती हूँ एंड विल अप्लाई इट, देखते हैं कैसे बनता है. अभी सो ये वीडियो एक्चुअली मैंने उनके लिए बनाया जो घर में हाइलाइट्स करना चाहते हैं. सो दैट्स वाई आई थॉट कि मेक अ वीडियो. सो इसमें मैंने जो कलर लिया है स्ट्रीक्स का वो है वाइब्रेंट ब्लॉन्ड. ठीक है, इसके अंदर आई थिंक 4 या 5 शेड आते हैं. रेड कलर भी आता है, बहुत सारे प्लम कलर भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं. सो जो भी आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं. वाइब मतलब ब्लॉन्ड में भी एक हाई लेवल ब्लॉन्ड था, एक नॉर्मल था, तो मैंने नॉर्मल वाला लिया है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ब्लैक बाल में बिल्कुल ब्लॉन्ड वाला गोल्डन लुक लाऊंगी
तो बहुत अजीब भी लगता है, सो उसका ध्यान रख के मैंने लिया था। सो आई जस्ट गोइंग थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली लिखी हुई हैं। सो मेरा वाइब्रेंट ब्लॉन्ड है तो इसमें स्टेप वन ही फॉलो करना है बेसिकली, उसे मिक्स करके आई हैव टू अप्लाई ऑन माई हेयर और एल्यूमिनियम फॉइल लगानी है नीचे एंड लीव इट फॉर 30 मिनट्स और वॉश करना है इसको। बट अगर कोई रेड कलर लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले रेड कलर लगाया था, तो इसमें दो स्टेप्स हैं। पहले वो आपको बालों को डी कलर करेगा और उसके बाद जो डी कलर बाल हैं उनमें आप रेड कलर का अपना हेयर कलर लगा सकते हैं या जो भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर डिफरेंट कलर्स आप ट्राई कर रहे हो, तो उसमें दो स्टेप्स होते हैं। तो मैंने वाइब्रेंट ब्लॉन्ड लिया तो इसमें एक ही स्टेप है, अच्छा एक ही स्टेप है तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। सो लेट्स मिक्स इट अप एंड देखती हूँ मैं कैसे लगाना है इसको। सो मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, अच्छे से तैयार हो गए हैं करने के लिए काम। इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है तो आई डोंट थिंक कि 6-7 स्ट्रिप्स से ज़्यादा मेरा हो पाएगा, पर ठीक है थोड़ा सा कलर करके देखते हैं। दिस इज़ अ ब्लॉन्ड पाउडर, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, ये पाउडर फॉर्म में है एंड आई एम गोना मिक्स इट हियर। ओके, इसको उसमें डालने के बाद ना एक अलग सा बबल से बन गए हैं, सो रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। सो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है करने के बाद। आई डोंट नो ये लाइट ब्लू कलर का क्यों है, जबकि मैंने तो ब्लॉन्ड मांगा है। पता नहीं क्या लगेगा, क्या होने वाला है बालों के साथ, पता नहीं, बट लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। सो ये हमारा मिक्स हो चुका है, अब बालों के पार्टीशन करते हैं और इसके साथ व्हाट द प्रोसेस इज जिस, अच्छा इसको कभी भी रूट्स में नहीं लगाना गाइस, रूट्स को डैमेज करता है ये, इट इज़ फुल ऑन केमिकल्स। सो रूट के नीचे ही मैं लगाऊंगी, रूट का पोर्शन मैं छोड़ दूंगी एंड देन इसको एल्युमिनियम फॉइल में रैप करना है। जो भी हाईलाइट्स आपने दी, पार्टीशन कर दी है मैंने और मैं बीच की पार्टीशन कभी नहीं करती इसलिए बिल्कुल सही से नहीं निकलती है मेरी। एंड आई एम गोइंग टू पुट दिस थिंग ओवर हेयर, गोइंग टू टेक दीज ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टीशन और उसमें इसको लगा लेते हैं और फॉइल से कवर करते हैं। दिस इज़ व्हाट माय तरीका ऑफ डूइंग इट। इसको ऐसे फोल्ड करना है और फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, कवर इट अप पूरा एंड आई एम गोइंग टू फोल्ड इट ऑल्सो। सो बहुत अच्छे से नहीं हुआ है आई नो, बट ठीक है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आई थिंक दैट इज़ फाइन। सो इस तरह से सारे बालों को करने की कोशिश करेंगे। माई 2 streaks आर डन, अब ये ऊपर नीचे हो गया तो मैं थोड़ा सा ऊपर भी लगाऊंगी एंड ऐसे ही बाकी बालों को करके आती हूँ बिकॉज कैमरे के आगे करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो गाइज मैंने लगा लिए हैं पूरे बालों में इसको और वी हैव टू टेक, इसको 30 मिनट्स तक रखना है और उसके बाद बाल को वॉश करना है, फिर देखते हैं कैसा लगा है, लगा भी है कि नहीं लगा, आई डोंट नो, मैं फर्स्ट टाइम इसे कर रही हूँ, लेट्स सी। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और उसके अंदर एक स्ट्रीक्स में एक कंडीशनर भी होता है वो भी मैंने लगा लिया है एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। इस तरह से ये हाइलाइट्स जो है मेरे बालों में आए हैं एंड बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, आई मीन आई एम जस्ट लविंग इट। दीज आर द हाइलाइट्स, यहाँ पर थोड़े से कम लग रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा है एक्चुअली, इधर मैंने दोनों बालों में किया था बट इधर से इधर कर दिया तो इधर ज़्यादा हाईलाइट लग रहा है। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जिस तरह से ये होके आया है। अगर मैं अपना, अब बात यह करते हैं अपने फाइनल रिव्यू का जो कि इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बता सकती हूँ, अब कैसे हाइलाइट्स घर के घर में करने के प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहली चीज़ तो गाइज ये है कि भाई क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब इतनी कम क्वांटिटी कैसे दे सकते हो यार, मतलब मुझे और भी हाइलाइट्स करने थे अपने बालों में बट मेरे पास एक ही पैकेट था तो उसमें इतना सा ही निकल पाया था, तो क्वांटिटी बहुत कम है। तो अगर आपको ज़्यादा हाइलाइट्स करने अपने बालों में तो 2 डब्बे ज़रूर ख़रीदना,
2 या 3 डब्बे आराम से लग जाएंगे अगर मेरे जितने लंबे बाल हैं तो। बट रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, एक्चुअली मार्केट के हाइलाइट्स के जैसा आता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी क्योंकि बहुत ही अच्छा मुझे लगा और बहुत ही रीज़नेबल भी पड़ा। मतलब अगर हम हाइलाइट्स कराने जाते हैं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, 2-3 हज़ार तो कम से कम मुझे दिखता है हाइलाइट्स करने का, बट ये काफ़ी रीज़नेबल अमाउंट में हो गया। और मैं एक्चुअली मैं हाइलाइट्स सारे बालों में नहीं करना चाहती थी, थोड़े थोड़े स्ट्रीक्स 1-2 देना चाहती थी हाइलाइट्स की, जिससे थोड़ा सा स्टाइल आए। क्योंकि जितना आप हाइलाइट्स अपने बालों में ज़्यादा करेंगे उतना ही बाल ज़्यादा डैमेज होता है। सो बट फाइनल रिजल्ट इज़ लाइक आई एम लविंग माई हेयर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे बाल। एंड अच्छा मेरा, मुझे घर का जुगाड़ मेरा पसंद आया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज देन एक थम्स अप जरूर देना, डू शेयर दिस विद योर गर्ल गैंग्स, एंड मुझे भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट जरूर करें गाइज। तब तक यार रहो, मुस्कुराते रहो, चिल्ड आउट रहो, मस्त रहो, हमसे जुड़े रहो, टेक केयर, बाय।